Hi everyone, welcome to my channel. Today I'm going to talk about Absalom and Achitophel by John Dryden. तो ये वन ऑफ द बेस्ट वर्क है Absalom and Achitophel by John Dryden. और John Dryden जो है काफी अगर डीपली पढ़ोगे तो काफी वर्क्स ऐसे हैं जो हर साल यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं. सो जितने भी अभी मैं जो डिटेल में वीडियोस बना रही हूँ वो काफी PYQ से रिलेटेड है और जितने भी PYQs में इंपॉर्टेंट मेजर वर्क्स हैं आपको वो जरूर पढ़ के जाने क्योंकि वो कभी ना कभी आ जाता है. जैसे वेटिंग फॉर गॉडॉट, ये सारे वर्क्स ऐसे हैं जो UGC नेट में एक या दो साल में तो ये क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं. सो यू शुड नो अबाउट देम. और अगर आपको पैटर्न समझना है UGC नेट का कि कैसे पेपर सेट हो रहा है, ब्रिटिश लिटरेचर, यूरोपियन लिटरेचर, हर लिटरेचर से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको PYQ सॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि PYQ के सॉल्व करने से आपको एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड इन द UGC नेट. सो इसमें हम समरी की बात करेंगे कि किंग डेविड के रूल के बारे में बात हो रही है कि कैसे वो पॉलीगैमी में थे और उनकी काफी ज्यादा ऑफस्प्रिंग थे, पर उनकी जो ट्रू वाइफ थी वो थी माइकल और उनके इलेजिटिमेट चिल्ड्रन काफी थे. उनमें से एक था उनका बिलव्ड Absalom. Absalom wins renown in foreign fields and in pleasing mind and in countenance. डेविड बहुत ज्यादा प्यार करता था Absalom से. डेविड का जो रीन था ऑल्दो काफी फैला हुआ था पर पीसफुल नहीं था. वहां काफी लोग उसके थ्रोन के लिए लड़ते रहते थे और इन्हीं के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट इज Achitophel, अ वाइज एंड विटी काउंसलर. ये फेम का भूखा था, इसे डिजायरस ऑफ फेम, राइट. सो ही डिसाइड्स ही मस्ट फाइंड अ वे टू रून डेविड. ही इज अवेयर ऑफ हाउ इजिली स्वेड द पीपल आर एंड ही टर्न्स टू द हैंडसम Absalom इनटू हिज पॉन. ये बहुत कोशिश करता है कि ये Absalom को भड़काने की कोशिश करे और ये भड़का भी देता है. Achitophel compliments and charms Absalom, telling him that it is a shame that his low birth, as I told you, illegitimate son, seemingly precludes him from taking the throne. His father's legal successor is Absalom's uncle, a rich man. Achitophel fills Absalom's head with praise. कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, तुम बहुत ज़्यादा great ruler हो. ये सब बोलता है उसको कि तुम बहुत ज़्यादा great ruler हो. Still तुम illegitimate हो, illegitimate. इसकी वजह से तुम्हें throne नहीं मिल सकता. और डेविड के बारे में बहुत भड़काता है. इवन दो Absalom लव्स हिज फादर, Achitophel सबटल कमेंट्स अबाउट हिज फादर वीकनेसेस बिगेंस टू अफेक्ट हिम. और इस चीज की वजह से काफी ये सब वो बुरा सोचने लगता है अपने फादर के बारे में. ही सीज हिमसेल्फ एज अ डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस. सो Absalom को लगता है कि वो जन्मा ही इसलिए ताकि वो ग्रेटनेस को, उस थ्रोन को अचीव कर सके. क्यों? क्योंकि Achitophel उसे काफी भड़का देता है. Achitophel devises his plan and sends Absalom out of the people to curry their favor and turn them against his father. Achitophel क्या करता है? एक plan बनाता है और Absalom को बाहर भेज देता है ताकि वो अपने father के against हो सके. He warns the young man of his uncle and tells him that he must try for the crown while his father still lives. Achitophel begins to work within the populace, fomenting dissent and unrest. वो Absalom को बार बार यही बोलता है कि कुछ भी हो जाए तुम्हें उस थ्रोन के लिए, उस क्राउन के लिए लड़ना है जहां तुम्हारा फादर बैठा हुआ है. Absalom goes before the people and wins their love easily. वो बाहर जाता है, लोगों के से मिलता है और उनका प्यार हासिल करता है, उनकी लॉयल्टी को लेता है. His popularity and pomp distract from a plot at hand. उसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ जाती है. Dryden accounts for some of the most dangerous corrupt men in the city as well as the small but loyal band that stays with David as the tensions mount. Finally, King David speaks, asserting his legitimacy and power in a manner that brooks no refutation or dissension. This secures his enemies' downfall and his own long rule. So finally, King David sahi decision lete hain. Dryden isme batate hain ki kaise kuch cheezein करप्ट मैन जो होते हैं सोसाइटी के अंदर वो कैसे डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, एक लॉयल ग्रुप को भी वो कैसे करप्ट कर देते हैं, उसके बारे में है Achitophel एंड Absalom. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन विद द बेल आइकन सो दैट यू गाइज गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.